पुराने मंदिर की दीवारों पर ही खड़ा कर दिया गया है। उसका सहन को और मस्जिद को बढ़ाने के लिए पुराने मंदिर के जो पिलर्स थे, जो पिलस्टर्स थे और बाकी सामग्री थी, उसका व्यापकता से उपयोग हुआ है। वहां पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उस इंस्क्रिप्शंस में भी जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर ऐसे तीन भगवानों के नाम आते हैं। यह जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। तो यह शिवलिंग, यह दीवारों के इंस्क्रिप्शंस, ये देवी देवताओं के चित्र, श्रृंगार गौरी का भित्ति चित्र, यह सब साबित करता है कि 15 अगस्त 1947 को भी इस स्थान की प्रकृति मंदिर की थी और आज भी मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद दो मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वजू खाना जिसको कहते थे, वहां जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा आप शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतजामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। अगर यह होता है तो मस्जिद भी किसी स्थानांतरित स्थान पर आदर के साथ रहेगी। यह स्थान मंदिर के लिए मिल जाएगा क्योंकि यह काशी विश्वनाथ का मूल स्थान है और हिंदू मुसलमान इन दोनों समाजों में जो कटुता निर्माण हुई है वो दूर होकर के भारतीय के नाते सह अस्तित्व की भावना बढ़े।